तो जनता का फैसला और फैसला जो आ रहा है उसकी तस्वीर, जो रुझान है वो तस्वीर बताते हैं कि आखिरकार ये कहीं ना कहीं झटका जरूर है बीजेपी के लिए, किस लिहाज से और क्यों, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और जो अभी तक तस्वीर सामने आ रही है वो बता रही है कि एमपी में कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ हार से गया और राजस्थान पर अभी भी स्थिति बरकरार जस की तस, दाव हर कोई लगा रहा है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस नतीजों के संकेत और संदेश क्या है, वो हम लगातार आपको टैली भी दिखा रहे हैं। सुबह से नॉनस्टॉप महाकवरेज हमारी जारी है। आइए सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी का बयान आया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो आपको सुनाते हैं और फिर चर्चा पे आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हिलाल नकवी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। 5 राज्यों में हुए चुनावों को लेकर जो सुखद समाचार आ रहे हैं वो बेहद खुश करने वाले हैं। रुझान में कांग्रेस आगे चल रही है, जिसको लेकर पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हमने ब्रेक से पहले आपको दिखाई। आइए जरा आपको वो बयान का जिक्र हम कर रहे हैं, वो बयान भी सुना देते हैं। रूप से एक बहुत ही सुखद समाचार है, जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी की जो अपनी आइडियोलॉजी उसकी जीत है। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी राहुल जी ने और अन्य कार्यकर्ताओं ने इन क्षेत्रों के, आज उसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का रुझान आ रहा है ये रुझान और मजबूत होंगे और हम एक बड़ी जीत के साथ जो है वो इन तीनों राज्यों में अपनी सरकार। एमपी 112 सीटों पर रुझान के हिसाब से बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 108, यानी कि 2020 का मुकाबला इस वक्त चल रहा है मध्य प्रदेश में। और इसी मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान बीएसपी नेताओं को साधना चाह रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और कांटे की टक्कर इस वक्त चल रही है वहां पर। 112 सीटों पर रुझान के हिसाब से बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 108 सीटों पर रुझान के हिसाब से चल रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे, जबकि अन्य जो है वो खाता दिखाई दे रहा है लगभग 10 के आसपास का। और ऐसे में अगर इस फिगर को देख ले तो निर्दलियों की भूमिका काफी अहम होने वाली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर इस वक्त देखी जा रही है और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या शिवराज का राज बरकरार रह सकता है। अगर बीजेपी के मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो शिवराज यहां पर अपना सिंहासन बचा सकते हैं, ये इतिहास गवाह है। और 112 सीटों पर बीजेपी इस वक्त रुझान में आगे चल रही है, जबकि 108 सीटों पर कांग्रेस रुझान में आगे चल रही है और अन्य के खाते में 110 सीटें, 230 सीटें इस वक्त मध्य प्रदेश में। और 230 सीटों पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो रुझान के हिसाब से यही आ रहे हैं कि 112 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ एके मिश्रा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट है, साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश यादव बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, अनुज अग्रवाल हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। पैनल में लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले राजेश यादव, इतिहास गवाह है, आप लोगों ने सरकार बनाई है एमपी में, तो उम्मीद अभी भी बरकरार है आपको? मध्य प्रदेश में तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है, आंकड़े बता रहे हैं, आपने भी समर्थन, आंकड़े नहीं बता रहे, मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं तो आपका इतिहास बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। राजस्थान में भी जो है हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे, बहुत कांटे की टक्कर है, 2-3 घंटे में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से हमें समीक्षा करनी पड़ेगी कि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी हार क्यों हुई, लेकिन 15 वर्षों की सरकार है, स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी रहता ही है। लेकिन हमने मध्य राजस्थान में जो मिथक तोड़ा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो जरूर हमने मिथक तोड़ा है। और हम सर अभी तोड़ा का है, ये खुशी है आपके लिए, आप देख लीजिएगा जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, आप खुश हैं इन नतीजों से? मेरे पास भी जो सूचनाएं हैं, सूचना बीजेपी का मैं बता रहा हूँ आपको, 84 सीटें हैं सर रुझान के हिसाब से, उस हिसाब से जो मेरे पास सूचना है कि हम निश्चित रूप से वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्वयं योगी जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसान कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एकदम जो है यहाँ पर गुंडई, ये फॉर्मूला तो बताइए, राजनीति सरकार बनाने का फॉर्मूला बताइए सर, सरकार बनने जा रही है आप देखिएगा। नहीं नहीं, वो बननी कैसे रही है, मैं वही तो पूछ रहा हूं सर। मैं अभी बताऊं आपको कि 7 और 8 राउंड की काउंटिंग अभी तक हुई है, कुल मिलाकर के 15 से जो है वो 20 राउंड की काउंटिंग होती है सर, मैं तो उसके रुझान में अल्टीमेटली सर रुझान में तो कांग्रेस भी आएगी ना, आप कॉन्फिडेंस में आपका जानना चाह रहा हूँ, आपका इतिहास कॉन्फिडेंस है क्या कि 2 सीटों पर भी आएगी सरकार बना देते हैं? इतिहास भी कॉन्फिडेंस है हाँ, हम सरकार, आप सीधा बोलिए ना,
हमारा मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि हम सरकार बनाएंगे। जनता ने यदि कुछ निर्दलीय दिए हैं तो उनको भी किसी ना किसी के पक्ष और विपक्ष में जाना ही है। अच्छा, वो हमारे पक्ष में आए तो बेहतर है। देखिए क्या है कि जनता का मैंडेट चावला जी स्वीकार करना पड़ता है, और इसका अर्थ ये नहीं है ना कि हम विपक्ष में बैठ जाएं या दूसरे को अवसर दें। यदि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो निर्दलियों के आधार पर सरकार बनती है, छोटे दलों के आधार पर सरकार बनती है। देश में पहली बार ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सफल फार्मूला दिया कि 23 पार्टियों के साथ भी हमने कुशलता से 5 वर्ष पूर्ण किए। तो यदि ऐसी स्थिति कोई आएगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस फार्मूले को आधार बनाकर, आप लोगों ने इस फार्मूले को आधार बनाकर कई सवाल भी खड़े किए हैं। एके मिश्रा, अगर मैनेजमेंट का हिसाब किया जाए, इनका दावा तो पुख्ता दिखाई देता है, अगर इस बार किंतु परंतु वाली स्थिति आएगी तो बीजेपी से कैसे पार पाएगी कांग्रेस, सवाल तो ये खड़ा होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा नेचर समझिए दोनों पार्टियों का, और बीजेपी जिस पोजीशन कॉम्पिटिटिव पोजीशन में है, सेंटर में बहुत सारी जगह है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इतनी आसानी से स्पेशली ये दो बड़े हिंदी भाषी क्षेत्रों को जाने देगी। रीजन है, इलेक्शंस भी तो है ना 2019 के, तो इनको ये स्टेट बड़े मायने हैं इनके लिए। अब देखिए जो अभी हमारे एक मिश्रा, एक सेकंड आइए जरा एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के रुझानों से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। कल बुलाई जाएगी विधायक दल की बैठक और मुख्यमंत्री को लेकर फैसला लिया जा सकता है। रुझानों में अशोक गहलोत का बयान ये सामने आया है कि निर्दलीय हमारे साथ हैं और हम उनको साथ लेकर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, ये स्वागत योग्य कदम होगा। बहुमत होने पर भी गैर बीजेपी दलों का स्वागत किया जाएगा, ये बड़ा बयान अशोक गहलोत का। और ऐसे में माना जाता है अगर यहां पर इफ बट किंतु परंतु की स्थिति आएगी तो अशोक गहलोत ही इस पूरी स्थिति को मैनेज कर सकते हैं। एके मिश्रा, देखिए अभी बीजेपी ने लास्ट मोमेंट का फाइनल रिजल्ट आ जाने दीजिए, बीजेपी थोड़ा इस मामले में मैं मानूंगा कि गंभीर रहती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है या इनकी तैयारी नहीं है। अगर ये 10-15, मैंने पहले भी बोला था कि ये एकदम 10-15-20 सीट का ये गेम होगा जो भी होगा। सवाल ये है कि अभी जैसे हमारे बीजेपी वाले मित्र बोल रहे थे, माननीय सर बोल रहे थे, बड़ा सिंपल है, 2-3 तरीके तो इन्होंने बता दिए। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर 20 सीटों की कमी पड़ी तो हो सकता है कांग्रेस के या बीजेपी के 25 लोग रिजाइन कर दें। कर्नाटक में फॉर्मूला फेल हुआ था साहब। नहीं, वो ठीक है, वो कांग्रेस की होशियारी थी वहां पे, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। दोनों पार्टियां एकदम ताक लगा के बैठी हुई हैं, उसका रीजन है, ये मैंने पहले भी बोला था, गहलोत जी ने पहले ही ये चीज एक इशारा दे दिया है निर्दलीय को, इसका मतलब है उनको पता था कि हो सकता है निर्दलीय इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे तो कहीं वो बीजेपी के खाते में ना चले जाए। सवाल ये है कि एक बार फाइनल रिजल्ट आ जाने दीजिए, असली गेम और चक्रव्यूह तो तब शुरू होगा कि कौन किसको तोड़ता है और कैसे तोड़ता है। कर्नाटक में एक ऊहापोह की स्थिति आ गई थी, बीजेपी 4-5 सीट से बच गई, बीजेपी भी उस वक्त से अलर्ट है, ऐसा नहीं है। तो अब असली गेम अब शुरू होगा, एक बार आ जाने दीजिए, क्लियर कट सारी चीजें हो जाने दीजिए, घंटे डेढ़ घंटे का और इंतजार है। लेकिन दोनों पार्टियां इन दोनों स्टेट को जाने नहीं देंगी अपने हाथ से, अंतिम समय तक जो है जोर लगाएंगी। एक खास बात बीजेपी का इसमें यह है, अगर बीजेपी हारती है जैसे थोड़े बहुत मार्जिन से, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये वाकई में बीजेपी का मैनेजमेंट था कि इतनी सम्मानजनक पराजय उनकी हुई है, अदरवाइज तो पार्टियां साफ हो जाती हैं। इसके लिए मैं बीजेपी को बोलूंगा कि एकदम बॉर्डर लाइन से हारना भी कोई हार नहीं होती है, लेकिन डेंट बहुत बड़ा रहेगा बीजेपी के लिए, इसके परिणाम बड़े भयानक रहेंगे। अगर ये हारे नहीं और 2-4 सीट से इन्होंने मान लो गवर्नमेंट बना भी लिया ना, तब भी इसका मैसेज पब्लिक में बहुत निगेटिव जाएगा इनके लिए। ऐसे ही देखिए कर्नाटक में यही हुआ, 2-4 सीट से हार गए, गुजरात में यही हुआ, इनको मैनेज करते करते, लोगों को कन्विंस करते करते बीजेपी की हालत खराब हो गई कि कैसे कन्विंस करें। अनुज अग्रवाल, मैनेजमेंट का जिक्र किया, ये राजेश यादव का कॉन्फिडेंस वही आधार तो नहीं है कि भैया मैनेज कर क्या कर पाएंगे, जितना तो अच्छा हम मैनेज कर लेते हैं, हमारे अध्यक्ष जी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इस मामले में। नहीं, देखिए भाजपा ने तीनों राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा जरूर खड़ा किया, और पीछे से चाहे छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी और बसपा का गठबंधन हो, उसमें अमित शाह ने एक पूरा रोल प्ले किया। मध्य प्रदेश में बसपा अलग लड़ी बिना कांग्रेस के, सपा अलग लड़ी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अमित शाह का एक खेल था। और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के उसमें एक मोर्चा बना 6 पार्टियों का, प्लस बसपा अलग लड़ी और आम आदमी पार्टी लड़ी, उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा की एक भूमिका थी, और उसकी वजह से ये जितना बड़ा डेंट लगना चाहिए था बीजेपी को, जितनी अच्छी विक्ट्री, लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री कांग्रेस की होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे आके रुक गई है। और आज अभी इस समय ये स्थिति है कि राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों में कुछ भी हो सकता है। अगर भाजपा इस स्तर तक ले आई है वहां के परिणामों को, तो ये भाजपा की एक तरीके से इनडायरेक्टली जीत है।
और दूसरी चीज़ है कि अब लोकसभा चुनाव सामने है, अगर कांग्रेस सरकार बना भी लेती है इन राज्यों में तो परफॉर्मेंस उसको अब दिखानी पड़ेगी। अभी तक तो वो विपक्ष में थी, उसके पास दिखाने के लिए कहीं कुछ था ही नहीं, अब दिखाना पड़ेगा। और 4-5 महीने में कुछ भी बड़ा कर दिखाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तो अब जहां बीजेपी की परफॉर्मेंस में उंगली उठाती है, उनकी परफॉर्मेंस में उंगली उठेगी, तो स्थितियां लोकसभा के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस को नया आत्मबल मिलेगा, लेकिन स्थितियां बड़ी चैलेंजिंग रहेंगी। और लोकसभा में राहुल वर्सेस जो मोदी का गेम होगा, उसमें मोदी का कद अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो और बीजेपी भी चाहती है कि राहुल वर्सेस मोदी ही रहे, तो उसमें मतदाता के सामने जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव का प्रश्न होगा तो कहीं ना कहीं मोदी जी ज्यादा आगे निकले हुए दिखेंगे। राजेश यादव, एक बात समझना चाहेंगे, ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है किस वजह से जो है वहां पर ये स्थिति हुई आपकी, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर MP हो, क्यों हुई, आपको क्या लगता है? देखो, एक समाज की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि यदि कोई बहुत लंबे समय तक 15 वर्षों का जो शासन है, हमने 3 बार रिपीट करी है वहाँ पे सर, 26 साल का गुजरात में तो मैनेज कर लिया आपने, यहाँ नहीं कर पाए। नवीन पटनायक घूम गए क्या? तो वहाँ की जो हमारी नीतियाँ हैं, और मध्य प्रदेश में 15 वर्षों के बाद भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आप आंकड़ा देख रहे हैं, राजस्थान का जो हमने पिछले 30-40 वर्षों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, कि जब कांग्रेस आज से 5 साल बाद हारी थी चावला जी, तो आप देखिए उस समय कांग्रेस की 20 सीट थी, और आज जो है वो मिश्रा जी भी कह रहे थे कि हम 80-85 पे बने हुए हैं अभी, और सरकार वहां हम बनाने जा रहे हैं, ये हमारी नीतियों की ही सफलता है, ये हमारे नेतृत्व की ही जीत है। हाँ, छत्तीसगढ़ में जरूर हमें इसका आत्मचिंतन करना पड़ेगा जरूर, कि भाई इतनी बड़ी जो है वो अंतर कैसे रहा, हम जनता की सेवा करने में छत्तीसगढ़ में जो है हम कैसे जो है वहाँ हमारे से कौन सी चूक हुई? सर, वो जोगी जी के कारण हुआ है, सेवा हुआ नहीं, जोगी जी के कारण हुआ है सेवा। वो कह रहे जो फैक्टर आप चलाना चाह रहे थे ना, वो फैक्टर चल नहीं पाया, ना जोगी फैक्टर चला ना योगी फैक्टर चला। लेकिन आप देखे ना, मध्य प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, वहाँ पर जो है हम जीत रहे हैं, राजस्थान में हम बिल्कुल कड़े मुकाबले में हम जीत रहे हैं, सरकार के बावजूद जो है हम नहीं, सर, आप टारगेट देते हैं ना, आपकी बार 200 पार, आपकी बार 250 पार, आपकी बार 300 पार, वही होगा आंकड़ा होता है ना सर आपका, तो मैं वही आंकड़े के हिसाब से पूछ रहा हूँ, ये आंकड़ा पार क्यों नहीं हुआ? नहीं देखिए, अभी मैं फिर बता रहा हूँ कि एक 15 वर्षों की सरकार के निरंतर चलते हुए हमने 4थी बार फिर मध्य प्रदेश में आप निगम का चुनाव जीतते हैं, तो देखिए मोदी जी की लहर है, आप हार गए तो आप कह रहे हैं कि देखिए भैया ये तो सिर्फ जो है वहां पर इंटेंशन के लिए। मैंने आपसे पहले जो अभी एंकर थे उनको मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में मोदी जी ने 10 सभाएं की, और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है वो 200 जनसभाएं की। सर सर, मैं आपको चुनाव है, MP से एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, और बीजेपी को यहां पर रुझानों के हिसाब से 113 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस को मिल रही हैं 108 सीटें, 113 सीटें बीजेपी रुझान में इस वक्त दिखाई दे रही है, जबकि 9 जो हैं अन्य के खाते में 9 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये 9 का फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन यहां पर बाजी मारता है, लेकिन 2020 का मुकाबला चल रहा है, और ऐसे में राजस्थान की स्थिति आपको एक बार फिर से बता दें, राजस्थान में इस वक्त बीजेपी 86 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 91 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य के खाते में 22 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है, लगभग 20 से 22 सीटें आती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही है, कांग्रेस लगभग 59 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य के खाते में 9 सीटें हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार स्थिति जो बनी हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हासिल हो रहे हैं। लगातार नॉनस्टॉप कवरेज जारी है, और जो कुछ जनादेश इस वक्त आ रहा है वो वाकई में कंफ्यूज जनादेश आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि MP में स्थिति इस वक्त कांटे की बन चुकी है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मायावती ने जीते विधायकों को दिल्ली बुला लिया है, जोड़ तोड़ से बचाने के लिए दिल्ली बुलाया गया है तमाम विधायकों को, और बीजेपी को समर्थन नहीं देगी मायावती, ये सूत्र के हवाले से खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और जो स्थिति आपको एक बार फिर से बता दें जल्दी से, मध्य प्रदेश में स्थिति 230 सीटों पर अभी तक ये आ रही है कि 108 पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 111 सीटों पर, और अन्य के खाते में 11 सीटें हैं, जबकि राजस्थान की बात करें तो 199 सीटों पर इस वक्त जो स्थिति साफ आ रही है, 81 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 94 पर कांग्रेस, अन्य के खाते में 24, यहां दोनों ही जगह पर इस वक्त स्थिति डामाडोल दिखाई दे रही है। दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की ओर से, तेजसरार नेता है पार्टी के, आइए जरा दिनेश जी का भी रुख कर लेते हैं। दिनेश जी,
खुश तो बहुत होंगे आज आप कि नहीं परफॉर्मेंस से? देखिए भारतीय जनता पार्टी तिलक जी खुशी इस बात में है ना कि हम लोग चाहे वो पंचायत का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, हम सब चुनाव को पूरी मुस्तैदी से लड़ते हैं और चुनाव के तरीके से लड़ते हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि चुनाव के समय में अपनी तैयारी करते हैं। हम आज हमारा चुनाव संपन्न होगा, कल हम फिर से 19 की तैयारी में लग जाएंगे, तो इसलिए हम कंफर्ट जोन में हैं, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और आज अभी चुनाव परिणाम आने दीजिए पूरा, तो राजस्थान में भी हमारी सरकार बनेगी। हाँ, छत्तीसगढ़ में हम अपनी उम्मीदों पे, हमको लगता है कि हम अपेक्षाओं में के अनुरूप हमको सीटें नहीं मिले हैं, जिनके जिस पर हमको चिंता भी करनी चाहिए और चिंतन भी करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चिंता भी करती है और चिंतन भी करती है, जिसका परिणाम है कि हम दो सीट से आज बहुमत की सरकार चला रहे हैं। इसलिए हमने मेहनत किया है दो राज्यों में, हमसे छत्तीसगढ़ में कहीं कोई कमी रह गई होगी तो निश्चित तौर पर उसका बैठकर हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन जनता का जो जनादेश है वो आपके सामने, उसको स्वीकार करना ही होता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सर फॉर्मूला नहीं बताया आपने, राजेश यादव जी बता रहे थे, फॉर्मूला क्या आपके पास? किस चीज का फॉर्मूला? तो सीधे सीधे है, फॉर्मूला बनाने के लिए मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, हमको आप परिणाम आने दीजिए, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम बहुमत के आंकड़े को छूने जा रहे हैं सर। अच्छा, मध्य प्रदेश में नहीं, अभी तो 2020 चल रहा है सर, अभी कहां चल रहा है, पीछे है, 109 और 110 चल रहा है। कभी तो वही फॉर्मूला जानना चाह रहा था, कभी 115 हो जाता है, कभी हम 113 पे आ जाते हैं, कभी 8 पे आ जाते हैं, लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं अब जो है, अब चूंकि सारे ट्रेंड जो है परिणाम में बदल रहे हैं, अब जो है, और वहां मार्जिन भी अगर आप पता करिए अपने लोगों से तो वहां ज्यादा का मार्जिन है नहीं, इसलिए हम कम्फर्ट जोन में है कि सरकार हम बनाएंगे और ये हमारे लिए, हम इतिहास वहां गढ़ेंगे। हम कह रहे थे बंगाल में आप ज्योति बसु को छोड़ दीजिए तो चौथी बार मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी चौहान जी वहां शपथ लेंगे और हमारी सरकार वहां बनेगी। हमने जो काम किया था, अगर आप इन दोनों राज्यों का देखें जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, दोनों बीमारू राज्य थे, बीमारू राज्य भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, उस बीमारू राज्य से निकालकर हमने उसको विकासशील राज्य में ले आए हैं और हम चाहते हैं उसको हम सशक्त राज्य बनाएं। क्या ये वही बीजेपी है जो अध्यक्ष टारगेट रखते हैं अब की बार 200 के पार और आज आप कह रहे हैं कि आप टक्कर दे रहे हैं, ये वही बीजेपी आज? तिलक जी, इसको आप दूसरे नजरिए से क्यों नहीं देखते हैं कि 15 साल सरकार चला लेने के बाद भी आज हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं? गुजरात में नहीं चलाई आपने? हाँ, गुजरात में, यही हमने कह रहे हैं कि हमारा सुशासन है, ये हमारा जनता का स्नेह है, जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है जो हमको बार बार सेवा करने के लिए अवसर देती है। हम सत्ता का माध्यम नहीं, हम तो सेवा का माध्यम मानते हैं, तो हमको सेवा के लिए जो अवसर देती है, अवसर देती है सर, कि आप अपने कुशल प्रबंधन से अवसर को छीन लेते हैं, अवसर बना लेते हैं, क्लियर कर दीजिए। ऐसा है कि आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कहने के लिए सर जो सही है मैं बता रहा हूं, आपको अपने मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा है ना? मैनेजमेंट इसलिए कि कई बार तिलक जी मैं यहां भी पढ़ के देखिए, दो तरह हम बार बार एक चीज कहते हैं, स्टूडेंट से तुलना करते हैं कि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक ये होते हैं जो एग्जाम जब आता है तो उस समय वो मेहनत करते हैं और उस समय मिश्रा जी मेहनत करके वो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और उस पर पूरी तैयारी करते हैं और पास हो जाते हैं। हम लोग वो छात्र नहीं है, हम लोग 365 दिन कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी हमको जरूरत होती है तो दूसरे से भी मार्गदर्शन ले लेते हैं, उसमें चाहे संघ का हो। साल भर मेहनत की, 33.5 पासिंग मार्क है तो 34 लेके पास हो गए और बोल रहे हैं साल भर मेहनत। अच्छा, एक चीज सुन लीजिए, रुक ना, कैसी मेहनत सर साल भर? बता रहा हूँ, अरे आप पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़े होते, मेंटेन किए होते, 165 सीट 170 सीट तब हम तोड़े बता रहे साल भर आप तोड़े हैं। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ा नहीं, आप ही लोग दिखा रहे थे, जितने राजनीतिक विश्लेषक थे कह रहे थे कि भारतीय जनता, आपने कितनी सीट से हमको दिखाना शुरू किया, 18 सीट से। मैं नहीं था आपके साथ, लेकिन लोग 18 से हमको शुरू किए थे, 18 सीट दे रहे थे और पिछली बार आप कांग्रेस को देखिए तो 21 सीट उनको मिली थी, आज हमको 80 सीट मिल रही। परिवर्तन की बात करते हैं, साल भर तैयारी जो पढ़ाई की है, कौन से ट्यूटर से मुझे वो जानना है सर, कौन सा आपका अध्यापक था जिसने साल भर आपको पढ़ाया कि पिछली बार से कितना कम या ज्यादा हो गया? ये सर अपनी परफॉर्मेंस से देखिए ना, कांग्रेस से क्यों कर रहा है? हम कहा उससे तुलना कर, हमने एक बार भी उससे तुलना नहीं की। पिछली बार आप लाए 80%, अब की बार 30%, तुलना कर ही नहीं रहे। उनके तो जो नहीं 80 और 30 है वही फेल है, नहीं वो तो 35 अंक ले आते हैं, पता नहीं, हम तो समझ ही नहीं पाते। पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं, पासिंग मार्क्स नहीं, देखिए दो चीजें हैं, कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें आप डिक्टेंशन लाते हैं और कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं, अब आईएएस आपको बनना तो आप डिक्टेंशन थोड़ी खोजिए सर, उसमें भी मिनिमम 15 साल के शासन के बाद, एंटी एमकेएमसी की बात आप करते हैं, 15 साल के शासन के बाद, ये मामूली बात नहीं है।
चैनल पर बैठकर कोई बात कह देना बहुत सहज और आसान, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कार्यकर्ता आपसे नाराज था, आपका कार्यकर्ता नाराज था, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे से भटकाव आया था, अभी लास्ट में आप राम मंदिर के मुद्दे पर आए। कहीं में संकेत नहीं है ये बीजेपी के लिए कि आपको रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा निराशा थी, बहुत ज्यादा कार्यकर्ता रुष्ट थे, और कहीं ना कहीं जो सीटें घटी है बीजेपी की उसमें कार्यकर्ताओं की उपेक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है कि विकास के मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देना, और जो हिंदुत्व इनका जो मूल वोट बैंक है, मूल मुद्दा है, उससे भटकाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नरम हिंदुत्व का जो कार्ड खेला उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का जो बना बनाया ग्राउंड था वो कैप्चर करने की कोशिश की गई और भाजपा को मजबूरी में राम मंदिर मुद्दे पे आना पड़ा। देखिए हम दो इसको दो सीरियस देखिए दो इसको दो हिस्सों में देखिए, ऐसे मत करिए, आप लोग विश्लेषक है ठीक, आप स्वतंत्र है, पहले भी कहा, लेकिन आप दो चीजें करिए। पूरा चुनाव अगर आप देखिए तो चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए हम एक चुनाव नहीं तिलक जी, हम दो चुनाव और हार जाएं, लेकिन हम इस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं या हम नहीं कर सकते हैं कि भारत माता की जय रुकवा के हम अपने पार्टी के अध्यक्ष की जय बोला, हमें नहीं कर सकते हैं, हम भारत माता की जय ही कहेंगे। अच्छा, हम एक मिनट सुन लीजिए, मैं तीसरा दिन सुना, रामचंद्र जी पीछे हो गए, सुनेंगे फिर जितना सवाल पूछना बैठे आपको बताइए। हम कह रहे हैं कि हम कभी भारत माँ की जय को रुकवा के हम अपनी पार्टी के किसी नेता की जय नहीं बुलवाएंगे, नंबर एक। दूसरी चीज, हम चुनाव हार जाए हम नक्सलियों को क्रांतिकारी नहीं बताएंगे, हम चुनाव हार जाएं हम आतंकवादियों के मारे जाने पर रोएंगे नहीं, हम हार जाएं चुनाव लेकिन जेएनयू में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वालों के साथ हम नहीं खड़े होंगे, ये हमारी विशेषता है, ये हमारा ही विशेषता है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, हम व्यक्तिवादी परिवारवादी लोग नहीं है। इसका मतलब दिनेश जी, आपके साथ एक सेकंड सर, एक सेकंड, इसका मतलब दिनेश जी अब जो 2019 का चुनाव होगा राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं होगा, ये साफ है। तिलक जी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज जो इशू नहीं है भारतीय जनता पार्टी, इशू तो पूरे चुनाव में रहा, आज चुकी है, आज परिणाम का दिन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंडिया वॉइस न्यूज चैनल पर फिर से कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एकमात्र सरकार है जो दावे के साथ सीना ठोक के कहती है अयोध्या में प्रभु राम के जन्म स्थल पर सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनेगा, और किसी पार्टी में नैतिक साहस नहीं है। हम कहां मुद्दे से भटके? मेरा सवाल यही था कि अब 2019 में मुद्दा रहेगा राम मंदिर, या सुनो हम सुन लीजिए, फिर से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राम मुद्दा, राम मंदिर जो चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे आस्था का विषय है, चुनावी हमारे सांस में क्यों डालते हैं? वो रहेगा, आप संविधान नहीं, संविधान के पहले पन्ने पे क्या राम दरबार कह दिए क्यों? अरे हम तो राम राज की अवधारणा है, और जब भी हमको अवसर मिलेगा, आज 5 साल कम था सर, 4 साल हो गए, जवाब देखिए, हमको जब भी अवसर मिला उस संवैधानिक दायरे में जितना भारतीय जनता पार्टी से करते बना, हमने फैजाबाद को अयोध्या किया, हमने वहां दीपावली सुन लिया नहीं कैसे, हमने कहा कि हमने नगर दीजिए, अचानकगर महापालिका बनाया, रुकिए हम भव्य राम राम की मूर्ति बना रहे हैं, सुनिए मंदिर नहीं बनाएंगे, उसकी जगह हम भव्य राम मूर्ति बनाएंगे, पूरे देश में 1000 मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं बनाएंगे। एक सेकंड आइए कि मेरे साथ बैठिएगा, एक सेकंड, राम मंदिर पर चर्चा करेंगे, आप किस मुद्दे पर एक दिन हमें बताइए, मंदिर के लिए अध्यादेश क्यों नहीं आया? मंदिर पर है, आप आरक्षण के लिए अध्यादेश ले आए, लेकिन मंदिर के लिए आप बोल रहे हैं मुद्दा सीधा यही था कि क्या राम मंदिर मुद्दा होगा 2019 में या सोनो, अब मुद्दे को भटका रहे आप। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जब भी हमको जब अवसर मिला, हम तो चाहते कल वहां से मंदिर बने और हम ही बनाएंगे, तिलक जी मैं कह रहा हूँ, किसी में नैतिक साथ में, हम लोग थोड़ी है कि पहली बार पूजा करने गए वो तो पूछा गया, उनके लोग मुद्दा ही बना रहे हैं, मंदिर नहीं बना रहे, मुद्दा बना रहे हैं। बार मिश्रा जी, आप तो मिश्रा जी हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आपको पता होगा यहाँ पे ब्राह्मण ढूंढेंगे आप, एक सर हमसे ज्यादा राम भक्त आप नहीं है, मैं आपको बता दूं, भक्त नहीं कह रहा हूं, और हमसे ज्यादा सुचिंतक भी नहीं है आप राम मंदिर के, सर्टिफिकेट तो कम से कम मत ले, मैं आपके काल नेमी वाली राम भक्ति की बोल खोल रहा हूं, आप ये सर्टिफिकेट कौन राम भक्त हनुमान की हिम्मत बनी है, जिस दिन आप बनवा देंगे उस दिन बात करेंगे। अनुज अग्रवाल जी मैं ब्रेक लूं, उससे पहले मुझे एक चीज समझाइए कि सर क्या वाकई में आंकड़ों में कई संदेश नहीं छुपा बीजेपी के लिए? बीजेपी तो कह रहे कि नहीं हम तो खुश हैं, और ये वही बीजेपी है जो टारगेट रखती है अब की बार 200 पार। देखिए सामान्यता स्थिति जब एंटी इनकमिंग चल रहा है, खुश हैं किसने कहा हम खुश है? दो चीजें हैं, फिर आज अजीब बात कर रहे हैं, जो आदमी सुखी हो जाए
संतुष्ट हो जाए। अगली बार अगर हम फर्स्ट डिवीजन पास हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए अगली बार हम डिटेंशन से आए, तो हम संतुष्ट होने वाले नहीं है और हम संतुष्ट हो जाएंगे। अगर हम संतुष्ट हो जाते तो एक राज्य में सरकार बनाएंगे। दो विधायकों से भी सरकार बनाई है 2013 में इन्हीं तीन राज्यों की जीत से बीजेपी को एक बड़ा आत्मबल मिला था और 2014 में मोदी जी की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ था। और आज जब 2018 में ये कहीं ना कहीं बड़ी हार की कगार पे बीजेपी है और इससे 2019 का संदेश बहुत अच्छा नहीं जाएगा भाजपा के लिए, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस है तो लगातार राज्यों की परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए थी, केंद्र की भी अच्छी होनी चाहिए थी, तो ये परफॉर्मेंस भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। अगर विकास की राजनीति आप कर रहे हैं तो विकास की राजनीति पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं मतदाताओं ने खड़ा किया है। या तो आपको अगर लगातार अच्छा कर रहे हैं तो जीतना चाहिए था आपको। सबसे बड़ा बीजेपी को डैमेज क्या होगा चावला जी, मैं बताता हूं। सर एक ब्रेक लेना, मुझे मजबूरी है, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो सवाल यही कि आखिरकार स्थिति कैसे यहां पर सरकार बनाने की होती है तो कैसे बनाएगी बीजेपी की सरकार। एक छोटा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो जनता के फैसले का जिक्र कर रहे हैं, आपको बता दें मध्य प्रदेश से तो स्थिति साफ आ रही है। स्थिति यह आ रही है कि इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है, रुझान के हिसाब से बीजेपी के पास 109 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है जबकि कांग्रेस 110 सीटों पर रुझान के हिसाब से बढ़त बनाए हुए है। मार्जिन सिर्फ एक सीट का है और साथ ही साथ अन्य का आंकड़ा दिलचस्प है, 11 इस वक्त जो है अन्य के खाते में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में स्थिति दिखाई देती है राजस्थान के बिल्कुल आप कह सकते हैं जहां पर एक और स्थिति जहां पर तस्वीर का इंतजार किया जा रहा है कि यह धुंधली तस्वीर जल्द से जल्द साफ हो। राजस्थान की बात करें तो 199 सीटों पर जो स्थिति साफ आ रही है, 77 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है जबकि कांग्रेस 99 सीटों पर और 23 अन्य, यानी कि अन्य है काफी महत्वपूर्ण। और खबर यह आ रही है कि मायावती ने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है जो कि बीएसपी के विधायक हैं और खबर यह भी है कि बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है बीएसपी ने। आपको बता दें हमारे साथ जो इस वक्त पैनल जुड़ा हुआ है, दिनेश सिंह जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, अनुज अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट है हमारे साथ, साथ साथ एके मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, इन आंकड़ों को देखकर खुश हैं आप या नहीं और क्यों नहीं? देखिए खुश इसलिए नहीं है कि जितने हमको अपेक्षा थी उतने हमको सीटें नहीं मिली है, इसलिए हम खुश नहीं है। लेकिन एक चीज ये है कि संतोष ये है कि जनता का जो जनादेश है उसको तो स्वीकार करना ही करना है। अगर हम संतोष कर लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम हमेशा देखिए भारतीय जनता पार्टी, हमने पहले भी कहा कि हम ये नहीं कि चुनाव आएगा, अरे आज ये परिणाम आ जाएगा कल से अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। और तिलक जी आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो ऊपर से लेकर नीचे तक राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, क्षेत्र स्तर, जनपद स्तर और आप मंडल स्तर, वार्ड स्तर और बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। हम सब वहीं से बूथ से शुरुआत करके आज इस स्थिति में पहुंचे हैं तो हम लोगों को कहीं भी कोई द्वंद नहीं है। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए चिंता का भी विषय है और हमारे लिए चिंतन का भी विषय है। हम इस पर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं और हम इस पर आज की बात, क्योंकि आप सब तो पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आज ही बैठ के आप अपना निर्णय दे देंगे कि क्यों हारे, क्यों जीते, क्यों सीट कम हुई, लेकिन हम वो लोग नहीं है। हम लोग एक एक सीट पर बैठ कर एनालिसिस करेंगे कि हमारी सीट कहाँ पर वोट परसेंटेज कम हुआ, उसके कारण क्या रहे, उसके कौन कौन से कारक तत्व तो हैं, तभी तो हम निदान कर पाएंगे। अगर हम डायग्नोज कर रहे हैं, अगर हम बात करेंगे वो हम आप कर सकते हैं ना, आप ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। हम डायग्नोज अगर नहीं कर पाएंगे तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बैठकर उन सारी चीजों और हमने किया है। दिनेश जी पन्ना प्रमुख बनाना भूल गए थे या फिर पन्ना प्रमुख बनाए थे और फिर जो है उन्होंने काम नहीं किया? पन्ना प्रमुख बनाने का ही बात है, कोई भी चैनल, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक ये नहीं कर रहा था। राजस्थान में 18 सीटों से लोग शुरू किए थे और पिछली बार आप कहते थे 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा, आज अगर 78 और 80 सीटें मिल रही है तो आप क्या मांगते हैं उन पन्ना प्रमुख? आप खुश हैं? नहीं, इसलिए कि मैं राजस्थान चुनाव में रहा। नहीं, दिनेश जी आप खुश हैं? आप वही पार्टी है जो कहते हैं कि देखिए हम चुनाव जीतेंगे और नया इतिहास रचेंगे? आपकी नहीं, निश्चित तौर पर हम कहते हैं चुनाव जीतेंगे और इतिहास रचेंगे। अच्छा वजह क्या है, वजह क्या है, ये आंकड़ों की वजह क्या है? आप कह सकते हैं, देखिए वजह तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं आप नहीं, आज हमसे 2 दिन बाद पूछेंगे ना, हम वजह की लिस्ट के साथ आएंगे। हम आपकी तरह एक वजह नहीं बता, उसके कई कारक तत्व होते हैं कि हमको एनालिसिस करेंगे कहीं टिकट में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, टिकट बंटवारे में। आप कह रहे हैं जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ता असंतुष्ट, तो कार्यकर्ता असंतुष्ट था तो उसका कारण क्या है? दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि आप लोगों कहना है
कि राम मंदिर के इशू को आप भूल गए। अरे हम कहीं नहीं भूले, नहीं नहीं हमने कहा भूले नहीं, याद दिलाया आपने। एक एक बिंदु पर तिलक जी हम चर्चा करते हैं, पर चर्चा करते और आगे बढ़ते हैं। ये गजब स्थिति है। अनु जी, मिश्रा जी, आपने नोट किया, पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो राज्य स्तर पर फोड़ दिया गया, और अगर निगम का चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी ने जितवा दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल है कि मान लीजिए चलिए बीजेपी सरकार बना लेती है 2-4-6 सीट से, हम एक एज्यूम कर लेते हैं, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा जो कि सिंह साहब नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो समझ रहे हैं लेकिन नहीं, वो जो समझ रहे हैं, मैं उससे भी परे की बात बताता हूँ। चावला जी 4.5-5 साल लग गए मोदी को ब्रांड बनाने में, ओके, इनके पास इकलौता ब्रांड है मोदी, दूसरा ब्रांड इन्होंने पैदा किया 2.5-3 साल लग गए योगी को ब्रांड बनाने में। अब ये इलेक्शन अगर हार गए या ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया तो मोदी ब्रांड तो खत्म हो गया, तो 2019 में किसको ब्रांड बनाएंगे? 6 महीने में ये मोदी जैसा ब्रांड खड़ा कर लेंगे? जल्दी ब्रांड खड़े नहीं होते सर। डेंट तो हुआ, डेंट इनका मोदी ब्रांड खत्म हो जाएगा सर। अगर 3 बार के मोदी का ब्रांड सर, इनको रीपोजिशनिंग करनी पड़ेगी, रीब्रांडिंग करनी पड़ेगी मोदी की। देखिए साउथ में कांग्रेस को बहुत जबरदस्त चोट लगी है, तेलंगाना में बहुत खराब स्थिति है, पूरे पूर्व में पूर्वोत्तर में कांग्रेस साफ हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। तो ये एक इलेक्शन के एक रिजल्ट से आप सिर्फ कह दो कि थोड़ी सी बीजेपी की सीटें कम हुई और कांग्रेस बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री में जा रही है, ऐसा नहीं है। स्थितियां कांग्रेस के लिए भी बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अगर उसे लोकसभा चुनाव लड़ना है तो दोनों के लिए चिंताजनक हो गई, उसके लिए कांग्रेस दोनों के लिए बराबर मुश्किल, उसके लिए बहुत ज्यादा उसको। दिनेश जी मैसेज क्या है? मैसेज तिलक जी, एक तो ये लोगों के लिए कह देना कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, एक को ब्रांड, अरे आप एक को ब्रांड बना के खड़ा कर दिए, देखिए कहना 50 बार मुश्किल है, मैं मानता हूं। एक मिनट सुन, नहीं मैंने बोला ना सर, 5 साल का टाइम लगा है, ये दिक्कत यही है, मैं सुन के बोलता हूं, अगर आप सुन लेंगे तो अच्छा जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कहना बहुत आसान होती है चीजें, और आज जो है ना जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, आप सबका माध्यम मीडिया टेलीविजन ये सारी चीज, जैसे जागरूकता बढ़ी है उसे राजनीतिक जागरूकता बहुत बढ़ी है, अब बहुत आसान चीजें नहीं है वो, ठीक है। एक चैनल पर भी हमारे साथी कह रहे थे, अब चूंकि मीडिया आ गया है आप गलत नहीं कर सकते, अरे इसका मतलब कांग्रेस पार्टी अब यहाँ बैठे नहीं है, इसका मतलब 50 साल उन्होंने मीडिया नहीं थी इसलिए गड़बड़ किया, ये बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हम मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं, हम एक मुद्दा लेके गए थे कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, जैसे आपने गुजरात में कहा हम चौथी बार हिंदुत्व पे क्यों आना पड़ा आपको सर, हिंदुत्व आपका मुद्दा सुन लीजिए, हिंदुत्व सुन लीजिए, हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं। कैसे सर, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे, ये हिंदुत्व का क्या मतलब, कार्यकर्ताओं का आरोप है, हिंदुत्व का मतलब मिश्रा जी, कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहले बीच में हिंदुत्व को भूल गए, मतलब क्या है, एक्सप्लेन करिए, हिंदुत्व का मतलब क्या है मिश्रा जी, सर मुझे नहीं पता, एक्सप्लेन आप करिए, आप एक बात कह रहे थे ना, हिंदुत्व का मतलब जीवन पद्धति है, उनके जीवन पद्धति में सहजता सरलता सुगमता है, यही तो विकास है सर, केवल केवल मानसिक और वैचारिक विकास ना, बात यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ना सर्वांगीण विकास, आप जो चर्चा करिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हो रही है, सुनो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हिंदू तो सर कैसे बता रहा हूं आपको, बता रहा ऐसा है जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, हाँ, कैसे कि भारत वैचारिक नहीं, वैचारिक नहीं, आर्थिक आर्थिक बताइए, आर्थिक और सामाजिक और राष्ट्रीय तीनों, सामाजिक और वैचारिक क्यों बताइए, अब आप बता, पैसों की कमाई की रोजगार की इसकी बात करिए, ये जीवन स्तर पे मिश्रा जी जरा सुनिए, आपको 5 लाख रुपया दें और चौराहे पर 2 जूता मारे तो उससे आपका विकास नहीं हो, सामाजिक भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, सुनिए, मानव सामाजिक प्राणी ना, आप इंडस्ट्री और आर्थिक भी चाहिए ना सर, मैंने मान लिया वैचारिक मामले, वैचारिक मामले में इंडिया बहुत रिच है, आपकी जरूरत नहीं, आरएसएस की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है, बीजेपी के सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, जरूरत है राष्ट्रीय संघर्ष की जरूरत है, हमने आरएसएस और बीजेपी से ये चीजें नहीं सीखी है सर, हमारे घर में हमारे बाप दादा की जरूरत है, जरूरत है हमारे सोसाइटी ने सिखाई है, आप जबरदस्ती सनातन धर्म के पुरोधा मत बनिए, पुरोधा नहीं बनना है, मत बनिए सर, पुरोधा नहीं बनना है, आप उसमें पूरा दिन है सर, विचारधारा तो बीजेपी की और आरएसएस की देन नहीं है, अरे
आरएसएस के पहले भी हम शिवाजी और महाराणा प्रताप और राम को जानते थे और पूजा करते थे। कितना बच्चों को आपने सिखाया की बात है पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस को कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एक और जहां रुझानों में बढ़त से कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी नेता कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहे हैं। दिनेश जी अभी पूरा का पूरा दिन बचा है, आराम से आइए जरा कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। को अपना मत देने का अधिकार है, नीचे करो यार, जनता ने, जनता जो फैसला करेगी उसे हम सार स्वीकार करेंगे। जनता जो फैसला हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, मिश्रा जी आराम से पूरा दिन निकालना है सर, आज पूरा का पूरा दिन निकालना है, दिनेश जी को भी गला बैठ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। दिनेश जी मैसेज क्या है ये तो बताइए सर। मैसेज ये है, देखिए हमने पहले ही कहा ना कि मैसेज, देखिए एक बार आप सत्ता में आ सकते हैं तिलक जी, आप चर्चा भले चाहे जो करें, आप कहिए टीवी पे कुछ भी बोलिए, स्वतंत्र है। एक बार सत्ता में आना आसान है, किसी को बरगला के आ जाइए, लेकिन बार बार अगर हम रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब कुछ विशेष है, ऐसा कह देना ठीक है। हमने तो साल तक तो कांग्रेस ने भी रिपीट किया था सर, तो आप क्यों बोलते हो? एक सेकंड, चले जाइए ज्वाइन कर लीजिए, ये बात आप पार्टी का पार्टी आप बन जाते हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप विश्लेषक हैं, अरे आप विश्लेषक हैं, मुझे मुझे अनुज जी के पास जाइए सर, वो देखिए ना ये जश्न की तस्वीरें आपको डरा नहीं रही दिनेश जी? एक चीज, आप इसका मतलब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं रहे ना, आप अच्छा, चाहते हैं तो आपने वॉक ओवर दिया क्या? नहीं, आपने वॉक ओवर नहीं है, अरे भैया 48 चुनाव बेचारे हार गए हैं, पहली बार देखिए शादी विवाह हो नहीं पा रहा है, एक चेहरा तो बंधाने दीजिए। अच्छा तिलक जी आप बात कर रहे हैं तो उसमें भी अभी बंधता है कि नहीं बंधता है आप ही लोग चर्चा कर रहे हैं, आपकी आपकी खुशी इसी में ही है? हमारी खुशी नहीं है, हम तो हमेशा आपके चैनल पर बैठ के कहते कि देखिए किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए ना विपक्ष का होना भी बहुत आवश्यक है। कांग्रेस मुक्त भारत, अरे ये कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, दिनेश जी को कांग्रेस मुक्त भारत, स्क्रीन पर दिनेश जी एक सेकंड जवाब कर लीजिए, कांग्रेस मुक्त भारत और आज कह रहे विपक्ष जरूरी है, स्क्रीन पे लो, आज स्क्रीन पे लो, ठीक है गैस की विंडो बन रही है, पीसीआर बना रहा है दिनेश जी कांग्रेस में, हमको लगता है सारे लोगों की याददाश्त यहाँ कमजोर है, हमको नहीं करना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त का मतलब क्या है, कांग्रेस मुक्त का मतलब है जातिवादी से मुक्त, अच्छा कांग्रेस से मुक्त है संप्रदायवाद से मुक्त, जातिवाद से मुक्त कांग्रेसवाद से मुक्त है, भ्रष्टाचार से मुक्त, ये है कांग्रेसवाद से, और भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये है कांग्रेस मुक्त। अच्छा ये अच्छा अच्छा कांग्रेस कांग्रेस मुक्त की परिभाषा भी बदल गई आज, आप आज नहीं बदली, आप आपने कहा सब जगह से कांग्रेस को मुक्त करेंगे, किसी को बोलता है लोग यादाश्त कमजोर है, एक सेकंड जैसा माहौल होगा यादाश्त कमजोर है, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुना नहीं चाहता है, खूबी है सुने रहा हूं यादाश्त खत्म हो गई सर, आप हमारे सामने आ गए यादाश्त का, दिनेश जी हम मानते हैं आप अच्छे वक्ता हैं, हम इस बात को कबूल कर रहे हैं, आप जो है गूगली फेंकने में माहिर हैं, मामा को पकड़ के लाए हैं और दूसरे नाना दाढ़ी वाले ना वो भी आने वाले हैं। अच्छा हाँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए काम करती ना तो हम नोटबंदी ना करते, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए काम करती तो हम जीएसटी ना करते, नुकसान की बात सर, हमने कहा नुकसान आरक्षण होता तो उसके बाद पलट क्यों दिया, SC ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों पलट दिया सर, अगर आपको डर नहीं था क्या पलट दिया? SC ST के वोट बैंक का अगर डर नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान क्यों नहीं किया? एक सेकंड हम अन्याय नहीं होने देना चाहते हैं, मुकेश सिंह चौहान एक सेकंड लखनऊ से भी जैसे सांप होता है ना तुरंत पलटता है, एक सेकंड मुकेश सिंह चौहान जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है तिलक जी। सर आज तो बड़े खुश होंगे आप। जी तिलक जी है कि नहीं? देखिए खुश होने की बात है क्या? देखिए खुश होने की बात है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का रिजल्ट लगभग क्लियर हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी अंतोगत्ता सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, अभी रुझान आ रहे हैं और
मुझे लगता है कि जब तक परिणाम में बदलेंगे तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत में सरकार मध्य प्रदेश में भी बनाएगी। अच्छा, ये जरा फॉर्मूला बताइए। दिनेश जी कह रहे हैं हमारे पास तो इतिहास है मैनेजमेंट का, जीत लेंगे क्या इनसे मैनेजमेंट में, सरकार बनाने में? सरकार अरे मैनेजमेंट में तो बैंगलोर में भी मैनेजमेंट किया था इन्होंने, कर्नाटक में, कर्नाटक में इन्होंने मैनेजमेंट किया था। राज्यपाल दो का भी मैनेजमेंट, राज्यपाल सुन तो लीजिए तिलक जी, कर्नाटक में तो ओथ ले लिया था मुख्यमंत्री पद की, उसके बाद भी फ्लोर पे फेल हो गए। इनका मैनेजमेंट तो वहीं धराशायी हो गया था। और मध्य प्रदेश में अब दोबारा ये आने वाले नहीं है, जब तक परिणाम बदलेंगे रुझान में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। अच्छा, लोकतंत्र अब खतरे में तो नहीं है? ईवीएम सही काम कर रही है सर? देखिए जनता जनार्दन है और जनता ने जो जनादेश दिया उसको सिर्फ ने सर मैंने कहा लोकतंत्र ईवीएम पे तो हम पहले भी कहते थे आज भी हम इनटॉलरेंस तो नहीं बढ़ रही सर? देखिए जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकारना पड़ेगा, चाहे बीजेपी के हो चाहे कोई भी दल हो। जनादेश तो लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी जनादेश इनके खिलाफ हुआ, चाहे गोवा में हुआ या जहां हुआ, इन्होंने जबरदस्ती सरकार बनाई। कर्नाटक में आपके साथ था जनादेश, ऐसी चीजों जैसे कर्नाटक में भी इन्होंने सरकार बना ली थी। लेकिन पूछ रहा हूँ जो चुने हुए विधायक किसके साथ था, उनके ये बहुमत नहीं साबित कर पाए, ये तो लोकतंत्र में अतिक्रमण करते हैं ये लोग। अच्छा, लोकतंत्र खतरे में आ गया ना फिर सर? ईवीएम ने ठीक काम किया सर? इस बार ईवीएम पूछने ठीक चली है ना? मैंने देखिए हमने पहले भी कहा था ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, आज भी कहता हूँ बैलेट अच्छा। पेपर से चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस पहले भी कहते हैं आज भी कह रही है। अच्छा, एक बात मुकेश जी, ये किसने जितवाया जरा बताइए, जरा कौन है हीरो आपकी नजर में? अगर ये आप लोगों की जीत है तो, अगर आपको भी इसमें जीत दिखाई देती है तो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद भी आप राजस्थान में ये स्थिति पर आए, मध्य प्रदेश में आप कांटे की टक्कर दे रहे हैं, तब भी आप लोगों की जीत है तो सहारा किसके सर बांधेंगे बताइए सर? देखिए उत्तर मध्य प्रदेश की जनता और राजस्थान की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता का आभार प्रकट करेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो श्रेय तो राहुल गांधी जी को जाएगा। ये गजब है, पक्का राहुल जी के पक्का श्रेय जाएगा? सोच लीजिए सर फिर एक बार, मौका दे रहा हूं भाई। मैंने आपसे तिलक जी मैंने पहले बता दिया कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में रिजल्ट एकदम क्लियर हो गया, मध्य प्रदेश में अंतोगत्ता कांग्रेस फुल मेजोरिटी में सरकार बनाएगी। और आप फिर और राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं ना? बीच में अच्छा, जो फाइनल कमेंट ले रहा हूं, दिनेश जी को जाना है। अच्छा, फाइनल कमेंट करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की, और सर अच्छा हो गया ना, हो गया, जिस तरह से लूट घसोट प्रदेशों में चल रही है, उपाध्यक्ष बनने के बाद और अध्यक्ष बनने के बाद कितने चुनाव हारे आप, मालूम है आपको? जनता का भी मालूम है आपको कितने चुनाव हारे? फिर वो हार की जिम्मेदारी किसके सर जी? आवाज चली गई। 21 राज्यों में पहले चुनाव हारे आप, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो कार्यकर्ताओं की। देखिए पहले भी हमारे नेताओं ने जब जब चुनाव के परिणाम आया, उन्होंने आके सामने जनता के उन्होंने कहा कि हम लोग अच्छे से लड़े, और आज भी पूरी पार्टी हमारे नेता के पीछे खड़ी है और जीत का श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है। चलिए मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं दिनेश जी से। दिनेश जी जरा आश्वासन दीजिए, ये जश्न जो मना रहे हैं अभी थोड़ी देर में फीका होगा, कैसे सरकार बनाएंगे इनको बताइए सर। देखिए ये नहीं है, अब तिलक जी आप ऐसा कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि जनता जनार्दन का जो आदेश है, जो जनादेश है, उसको आदेश के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और जिसको भी सरकार बनती है उसको बढ़िया से सरकार बनाना चाहिए और आगे की तैयारी करनी चाहिए। हम विकास के मुद्दे में जनता ने हमको अवसर दिया था, हमने 15 साल करके दिखाया है, आगे भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमको अवसर मिलने वाला है। और जो राजस्थान की बात कांग्रेस पार्टी कहती थी, सारे लोग कहते थे एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस,
और उस इन्होंने 21 सीट पाई थी और हम लगभग 80 सीट से आगे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी परिणाम आने दीजिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह भारतीय आप भी यही बोलेंगे। वैसे तो मैं जानता हूं मोदी जी के खिलाफ तो होगा नहीं सर ये जनादेश, है ना? कैसे होगा? एक चीज मुझे बता दीजिए कि राजस्थान सारे लोग 18 सीट दे रहे थे, जब मोदी जी की रैली वहां पे लगी, वो चुनाव मैं खुद था उस समय सवाई माधोपुर क्षेत्र में भरतपुर संभाग में, जिस तरह का चुनाव उठा और सारे लोग एक चर्चा करते थे कि नहीं मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, तो लोग मोदी जी के साथ हैं, लोग विकास के साथ हैं, अगर कहीं एक आध चुनाव ये जीत रहे हैं तो जनता हो सकता है इनको भी कह के चलते चलते मुबारकबाद तो दे दीजिए सर किसको। अरे परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद निश्चित तौर पर उम्मीद है आपको, जिसको अभी भी हमको उम्मीद है परिणाम में, जब तक परिणाम में तब्दील नहीं होता है रुझान, तब तक हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी थोड़ा और मुझे लगता है कि 45 मिनट का और इंतजार कर लीजिए। राजस्थान का दूध पानी का पानी, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की सरकार। संदेश छिपा इसमें? संदेश कुछ नहीं छिपा है, इसका मतलब जनता अभी चाहती है, इसलिए हमको इतनी सीटें दी है कि जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए दिनेश जी, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जो मतगणना के बीच जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर लेकर जरूर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। साल 2014 से यहां पर बीजेपी का रथ दौड़ रहा था जीत का। आइए जरा रिपोर्ट आपको दिखाते और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। राज्यों की रण से सत्ता के फाइनल टिकट का सपना सजोए बैठी कांग्रेस के अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने राहुल एंड पार्टी को सियासी तख्त पर करीब करीब बैठा ही दिया है। इसके बाद से ये कहना होगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कमल कीचड़ में है और कांग्रेस जीत की दहलीज पर। हालांकि तेलंगाना और मिजोरम में स्थानीय पार्टियों का बोलबाला है, मगर 2019 से पहले राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस को मिली ये जीत किसी पंच तत्व टॉनिक से कम नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मामा के राज को लगभग खत्म कर दिया, तो छत्तीसगढ़ में रमन की विदाई भी तय है। वहीं राजस्थान में वसुंधरा के अधूरे विकास की बदौलत एक बार फिर बदलते ट्रेन की कहानी दोहराई जा रही है। कांग्रेस की गहलोत और सचिन पायलट ने पार्टी को शीश पर लाकर खड़ा किया। इसका नतीजा है कि रजवाड़ों के प्रदेश में निजाम बदलने जा रहा है। हालांकि अगर बात बीजेपी एंड मोदी की ब्रांड की करें तो चुनावी नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल ने ही तस्वीर साफ कर दी थी और आज आए परिणाम ने उस पर मोहर लगा दी है। इसके बाद ये साफ हो गया है कि साल 2014 से लेकर बिहार, कर्नाटक और केरल चुनाव के बाद 5 राज्यों के रण में मोदी ब्रांड एकदम फीका नजर आया है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता के फाइनल से पहले हुए सेमीफाइनल में बीजेपी के दिग्गजों ने चुनावी मैदान में जमकर चौके छक्के मारे, मगर जीत के लक्ष्य से पहले ही बीजेपी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। उधर इतनी बड़ी हार के बाद बीजेपी ने मोदी ब्रांड को बचाते हुए हार का ठीकरा प्रदेश के मुखियों के सर मढ़ दिया। बीजेपी का कहना है कि ये हार मोदी ब्रांड की नहीं बल्कि अधूरे विकास की हो सकती है। खैर, अब देखना ये होगा कि इन नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में कौन सी तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि चुनावी जीत हार के बाद जहां बीजेपी में कुछ नेताओं का कद गिर सकता है, तो कांग्रेस में विजय लहर के बीच कई सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इंडिया वॉइस के लिए संदीप मेहरा की रिपोर्ट। तो बात जनादेश की है और 5 राज्यों के चुनाव का जनादेश आपके सामने आ रहा है। रुझान तस्वीर साफ कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ होने में थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन एमपी में इस वक्त 2020 का मुकाबला चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।